हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग व्हेन इज़ द टेंस नॉट चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। द टेंस ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता जब रिपोर्टिंग वर्ब या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में, जैसे कि सेज या विल से हो। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी ये समझाऊंगी। ओके, तो आपने आगे वाला वीडियो ध्यान से देखना है। द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट। उस केस में भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, या हैबिचुअल फैक्ट मतलब जो आदत होती है हमारी। ओके, जो हमारी रूटीन में जो हम काम करते हैं, डेली करते हैं, ऑलमोस्ट रेगुलरली करते रहते हैं, वो होते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, करुणा सेज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। देखिए, इसमें सेज वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। करुणा सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, इसमें हमने चेंज नहीं किया। मीना विल से रितिका इज़ माय फ्रेंड, इसमें देखिए विल से है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसलिए भी आपने यहाँ पर भी टेंस को चेंज नहीं करना। मीना विल से दैट रितिका इज़ हर फ्रेंड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए, इसमें भी हमने टेंस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें आपने राइजेज को राइजेज ही रहने देना है, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू हिज फ्रेंड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एक हैबिचुअल एक्शन है। ओके, इसलिए हमने इसमें भी चेंज नहीं करना है, तो आंसर होगा ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, इसमें भी टेंस हमने चेंज नहीं किया है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।